जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तुहाडे सामने एक साखी लैके पेश हुई हूँ जिसका नाम है मेरी माता झूठ बोल दी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम तो सारे जालम लोग डरते सन। एक बार तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने जालमों को ऐसी मार मारी कि सारे जालम जुल्म ही खत्म हो गए। पर जो दिल्ली की हुकूमत बादशाह फरुखशाह ने संभाली तो उसने सिखी की बढ़ रही शक्ति खत्म करने बारे सोचा। उसने अपनी भारी गिनती के फौज इकट्ठी की। बाबा बंदा सिंह बहादुर के उन्होंने साथियों गुरदास नगर की गढ़ी में घेर लिया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की अगवाई में सारे सिंघा ने बादशाह फरुखशाह की फौज का डट के मुकाबला किया। अंत बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने साथियों गुरदास नगर की गढ़ी में कैद करके दिल्ली लिया गया। उन्होंने दिल्ली हर रोज 100 सिंघा कतल किया जा लगा। इन्हों सारे नौजवान सिंघा एक नौजवान बच्चा ऐसा भी सी जिसकी उम्र मसा अज 18 साल ही सी। वह अपनी बुढ़ी माँ का इको एक सहारा सी। बुढ़ी माँ बादशाह फरुखशाह को पहुँचती है और बहाना बना के आखती है कि मेरा बेटा सिख नहीं है, इसको सिखा नाल ऐवें फट लिया गया है। यही गल सुन के बादशाह बड़ा खुश हुंदा है क्योंकि पहला कोई भी सिख माफ़ी नहीं सी मांगता, हुण सिख ने भी माफ़ी मंगी है। तो ये सोच के उसने कहा कि असीं लोगों को दसांगे। तो वह अपना एक परचे ते लिख दिंदा है कि जेकर तेरा बच्चा ये कह दे कि मैं सिख नहीं, मैनू गलती नाल फड़ लिया गया तो तैनू छड दिता जाएगा। तो बादशाह ने यह हुक्म लैके उस नौजवान बच्चे की बुढ़ी माँ उस उत्थे जाती है जिथे उसके नौजवान बच्चे और बाकी सिंघां नू शहीद किया जाना सी। तो वह बादशाह का हुक्म कोतवाल के हवाले करती है तो कहती है कि मेरा बच्चा सिख नहीं, इसनू गलती नाल फड़ लिया गया है। वह अपने बच्चे पास जाके उसनू दसती है कि जे तू ये कह देना कि मैं सिख नहीं, मैनू गलती नाल फड़ लिया गया है तो तेरी जान बच जाएगी। पर जो नौजवान बच्चा अपनी माँ दे ये बोल सुनता है तो उची उची कूक उसके मूँह उची उची कूक उठती है, मेरी माता झूठ बोल दी, मेरी माता झूठ बोल दी, मैं गुरु का पक्का सिख हाँ, मैं गुरु का पक्का सिख हाँ, जल्दी करो मैनू भी शहीद कर दियो। उस बच्चे की यह गल सुन के उसकी माँ कंब गई और उसने उसनू बड़ा समझाया कि बच्चे तू एक बार ये कह दे कि मैं सिख नहीं, मैं गलती नाल फड़ लिया गया है तो तेरी जान बच जाएगी, बाहर जाके तू फिर सिख बन जावे। पर उस बच्चे ने अपनी जिंदगी कुरबान सिखी लिए कुरबान कर दी। सानू इस कहानी तो सानू इस साखी तो यह सीख्या मिलती है कि सिख लिए सिखी तो वध के कुछ नहीं, उसनू अपनी जान तो भी प्यारी सिखी होंगी है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।